धुन देवता क्यों थे। आप कोई भी गाना उठाएं, ये दुनिया ये महफिल आप ले लीजिए, आप चाहे बर्बाद है मोहब्बत ले लीजिए, तुम जो मिल गए ले लीजिए, धुनें अंतरे की अलग अलग मिलेंगी। इसलिए धुनें याद करना ये एक चैलेंज रहता है सिंगर्स के लिए। दैट इज़ वाई मदन जी की रचनाएं अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पी की डगर में बैठे, अब एक्सप्रेशन, मैं लहुआ रे मेरा आज रा नीरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज 25 जून को मैं ये लेक्चर रिलीज़ कर रहा हूँ दोस्तों। धुन के देवता, गज़ल के शहंशाह, 1970 नेशनल अवार्ड विनर, द जीनियस म्यूज़िक डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मदन मोहन सर कोहली जी का आज जन्मदिन है दोस्तों। जी हाँ, 98 जन्मदिन के दिन श्रद्धा सुमन के रूप में मैं आज एक लेक्चर लेके आया हूँ। बागेश्वरी बेस्ड 11 नोट्स सॉन्ग ऑफ श्री मदन मोहन जी। जी हाँ दोस्तों, 1970 में एक मूवी आई थी दस्तक, हम सब जानते हैं, भैया ना धरो के लिए नेशनल अवार्ड मिला था आदरणीय मदन जी को। तो उसी में ही एक गीत था जो कि मदन जी ने ही कंपोज़ किया है हम जानते हैं, और गाया भी उन्होंने है, लता जी ने भी गाया है। लेकिन मैं जो आज लेक्चर शेयर करूँगा उसमें मदन जी की जो हरकतें, उनकी जो नोटेशंस हैं उनकी गायकी की, वो मैं शेयर करूँगा। दो अंतरे हैं, राग बागेश्वरी हम सब जानते हैं काफ़ी थाट का राग है, इसमें ग और नी कोमल है। इसका मुख्य अंग मैं आपको बताता हूँ, राग की डिटेल में ना जाकर मैं कंपोजिशन आपको सिखाऊंगा। ये कंपोजिशन ज़रूर सीखिए दोस्तों, आप कहीं भी गाएंगे आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा जादू है इस कंपोजिशन में। क्योंकि राग बागेश्वरी का मिश्रित रूप हमें देखने को मिलता है, कोमल ऋषभ, कोमल दैवत एज अ विवादी यूज़ हुआ है, सिर्फ तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं है इस गाने में, मतलब 11 स्वर इसमें यूज हुए हैं। राग बागेश्वरी सा मा ग म ध म ध नि ध म प द ग म ग रे सा नि द नि सा मा म ध नि ध म ध सा नि ध म नि ध म प ध ग म ग रे सा नि द नि सा ग म। कौन सी कंपोजिशन दोस्तों? मायरी मैं कासे कहूँ। अब देखिए, शुरुआत में ही बागेश्वरी की झलक दिखती है, बीच बीच में मिश्रित रूप कहाँ कहाँ पे आता है मैं आपको बताऊँगा। शुरुआत करते हैं, ताल कैरवा पर आधारित है, फर्स्ट ब्लैक पहले काले से इसको गाया गया, और उसी पर मैं इस रचना को आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। सारे जो लेक्चर्स मैंने मदन मोहन जी के जो अभी तक बनाए हैं, चाहे आप झंझोटी पर आधारित लीजिए, चाहे दरबारी पर आधारित लीजिए, भीम पलासी, उनके दक्षिण भारत संगीत पद्धति के रागों पर आधारित कंपोजिशन, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने एक ट्रिब्यूट शो भी 25 जून को किया है दोस्तों, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 33 गाने मैंने गाने की कोशिश की है, और 2021 वाला जो मैंने शो किया था मदन जी का, वो भी ज़रूर देखिएगा, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। रोहित कटारिया म्यूज़िक एकेडमी फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ऐसे में ट्रिब्यूट शोज़ अच्छे अच्छे लेजेंडरी कंपोज़र्स और सिंगर्स के लाता रहता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इस गीत की संपूर्ण नोटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों, तो उसका भी आप बेनिफिट लीजिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये निशुल्क सेवा है मेरी तरफ से। और मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस की अपडेट्स भी शेयर करता हूँ, अपने लेक्चर्स के जो PDFs हैं वो निःशुल्क रूप में प्रोवाइड भी करता हूँ, तो वो लिंक आप एक्सेस करके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में देखिए एक आकार में आलाप है, और फिर बोल आलाप भी देखने को मिलता है। मतलब बागेश्वरी का स्वरूप दिखाया मदन जी ने आकार में। मा मध म ग नि छ तो अब बोल आलाप देखिए। मायरी प
पंचम का बहुत प्रयोग हुआ है, जो कि भाग्यश्री में ज़्यादा होता नहीं है, पंचम का अल्प प्रयोग है। इसी कारण से आप देखिए षड्ज और मध्यम का मैंने संवाद तानपुरे पे सेट किया है। मा, ये गंधार की मुर्की, मा गा मायरी मायरी मैं कास कहूँ। ये जो मुर्की है ये इस चीज़ का प्रतीक देती हैं कि मदन जी क्लासिकल सिंगर भी बन सकते थे, बहुत अच्छे सिंगर भी वो थे। वो अलग बात है कि आजकल के कंपोजर्स की तरह खुद गाना गाने के लिए घुसते नहीं थे, वो सिर्फ कंपोज करते थे, डायरेक्शन देते थे, इंटरलूड खुद बनाते थे और सिंगर्स को मौका देते थे। मायरी, अब ये कासे कहूँ सुनिए, मैं कासे कहूँ पी, इसको लिपिबद्ध करना बहुत मुश्किल है। धनी सानी ध प धनी प ध सनी ध प धनी ध प मा मैं कासे कहूँ पी ध प मा अपने जिया के गामा। अब गंधार शुद्ध लग गया, यहाँ पर मिश्रित रूप देखने को मिलता है। गामा गामा पध सनी ध पध सनी ध पामा निसा गामा गामा पध सनी ध पध सनी ध प ग निसा। तो अब कलेक्टिव रूप में देखिए, मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की। यहाँ से फिर बीट चालू होती है, मायरी। अब गा मा मा ध देवत पे मध्यम का कर्ण, मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की। एक बार ताल के साथ देखिए कैसे पिरोया गया इसको, मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की, मायरी मैं कासे कहूँ पी अपने जिया की, मायरी। अब अंतरे में देखिए, एक तो शुद्ध गंधार का प्रयोग, कोमल धैवत का प्रयोग, ऐसे विवादी स्वरों का बहुत प्रयोग हुआ है, लेकिन रचना की जो आत्मा है वो भाग्यश्री पर ही आधारित है। पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, अब आ सरे सनी था। तो गामा गरे गामा मा धा धा धा, ये गंधार शुद्ध है। गामा गरे गामा मा धा 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 सा धा सा धा मा धा नी सा सनी सा सा सनी धा। पी की डगर में बैठे, अब एक्सप्रेशन, मैला हुआ रे मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोए नहीं काजरा। देख रहे हैं अब आगे कंपोजिशन चेंज कैसे होती है वो देखिए। कोई जो देखे भैया, अब दोनों ऋषभ का क्रोमेटिक प्रयोग, रे 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 करे साधा धा। कोई जो देखे मैया प्रीत का वासे कहूँ काजरा। सो कोई जो देखे मैया प्रीत का वासे कहूँ माजरा।
कनेक्ट करके सारी लाइंस गाता हूँ। पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आजरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ आजरा। पी की डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आजरा। अब भाग्यश्री का स्वरूप कैसे प्रकट होता है ये देखिए। लट में पड़ी कैसे बिरहा की माटी मायरी, सो धसा सा सा धनी गरे सानी नी 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 सा गरे सानी धपा मा गनी सा गा मा धा। तो इस लाइन की ब्यूटी देखिए। लट में पड़ी कैसे बिरहा की माटी मायरी, विकट है ना, क्योंकि एक एक स्वर अवरोहात्मक क्रम से शब्दों में कैसे पिरोया गया है हमारे मदन जी द्वारा। बिरहा की माटी मायरी हो मायरी, मैं कैसे कहूँ पी अपने जिया की मायरी। दूसरे अंतरे का आनंद देखिए। आप कोमल ऋषभ के साथ साथ आप देखिए कोमल धैवत का अविवादी रूप में कैसे प्रयोग हुआ है। दूसरे अंतरे में धुन अलग है, धुन देवता क्यों थे। आप कोई भी गाना उठाएं, ये दुनिया ये महफिल आप ले लीजिए, आप चाहे बर्बाद है मोहब्बत ले लीजिए, तुम जो मिल गए ले लीजिए, धुने अंतरे की अलग अलग मिलेंगी। इसलिए धुने याद करना ये एक चैलेंज रहता है सिंगर्स के लिए। दैट इज़ वाई मदन जी की रचनाएं अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। मैं सिर्फ पूजा कर रहा हूँ, मेरी पूजा का आप हिस्सा बने, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ये आपकी सेवा होगी और ये आपका एक कर्तव्य है ऐसे लेजेंडरी म्यूजिशियंस को, उनकी कंपोजिशंस को याद करके उसको प्रमोट करना। चलिए दूसरा अंतरा शुरुआत करते हैं। आँखों में चलते चलते, अब यहाँ तक तो सेम है, गामा गरे गामा मा धा धा धा। अब यहाँ देखिए, रोज मिले पिया बावरे, रोज मिले पिया बावरे, नी नी रे नी नी धा धा नी धा धा मा मा मा। तो अब कनेक्ट करता हूँ दोनों लाइन को, देखिए फिर आपको क्या स्वरूप नजर आता है। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, बैया की छैया के मिलते नहीं कभी सावरे। रोटेशन वही है, गामा गरे गामा मा धा धा धा, नी नी रे नी 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 रे नी धा 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 नी धा मा 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 मा, धा 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 नी धा मा मा मा। देख रहे हैं क्या अपभ्रंश रूप भाग्यश्री का है, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। हमारा एस्थेटिक्स का प्रिंसिपल है दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट इफ क्रिएट्स अ ब्यूटिफिकेशन कैन बी यूज्ड इन एन आर्ट। सो आप देखिए, रोज मिले पिया बावरे, बैया की छैया के मिलते नहीं कभी सावरे। अब आप ये जगह देखिए, मेरी फेवरेट जगह है, ये कैसे कंट्रास्ट क्रिएट किया एक राग से दूसरी राग का। दुख ये मिलन काले के सा 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 नी रे रे नी धा, अब रे नी धा मा गा मा धा नी रे नी धा। मारवा का अंग दिखता है कि नहीं दोस्तों। दुख ये मिलन काले के कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ मैं। सो आप देखिए, सा 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 नी रे 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 नी धा, नी 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 सा रे नी सा नी धा धा नी सा नी धा। तो
तो एक बार वापस गाता हूँ। दुख ये मिलन काले के, कहा करूँ कहा जाऊँ रे, आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बारे। अब आगे रचना वही भाग्यश्री का प्रयोग। पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरी, हो मायरी। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आया कहाँ कहाँ पर देखिए कोमल ऋषभ का प्रयोग, कहाँ पर कोमल धैवत का प्रयोग, जो कि विवादी के रूप में भाग्यश्री राग में मदन जी ने प्रयोग करके इस अनमोल रचना को जन्म दिया, जो कि 1970 की क्रिएट हुई भी है दोस्तों। आज इस रचना को 52 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन इसकी खुशबू वही है जो पहले थी। और यही मेरा ट्रिब्यूट था दोस्तों 25 जून को। लाइव शो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और मदन जी की इन्हीं रचनाओं को आगे भी मैं सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ओम शांति।